राष्ट्र फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अपनी खराब तबीयत की वजह से वो ये पुरस्कार लेने के लिए खुद दिल्ली तो नहीं आ सके, लेकिन उनके परिवार के बहुत से सदस्य यहाँ पहुंचे और उन्हीं से बात करते हैं। हमारे से जुड़ी हुई हैं ज्योतिका सिकंद, जो कि उनकी बहू है, डॉटर इन लॉ। ज्योतिका जी, जाहिर तौर पर प्राण साहब को जब ये पुरस्कार दिया गया तो सभी को बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन किस तरीके से खुशी का इजहार किया गया है मुंबई में? मुंबई में हमारी बिल्डिंग में बिग पोस्टर लगा हुआ, बिग बैनर कंग्रेचुलेटिंग हिम, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन द फैमिली बहुत खुश है। पता चलता है कि प्राण साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है कि जल्दी दिया जाना चाहिए था। उनको जब ये खबर मिली कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? उनका आई थिंक वो तो बहुत खुश थे, ही इज वेरी हम्बल, तो उन्हें ऐसे नहीं कोई कभी कुछ सोचा कि उनको मिलना चाहिए। उन्हें तो काफी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, रिफ्यूज भी किए हुए अवार्ड्स, कि स्टॉप बटन कौन सा है, फॉरवर्ड कौन सा है, रिवाइंड कौन सा, जिस पे हाथ गया वो। सो हर टाइम जो पिक्चर बनती थी, गाना सीखना होता था, नया टेप रिकॉर्ड आता था, क्योंकि उसके बिल्कुल बुरा हाल, उन दिनों में छोटे से टेप होते थे, वो सारे स्पेगेटी बन जाते थे, सारे खराब।